हेलो गाइस दोस्तों, आज हम जो है डाइनिंग के ऊपर पूरा एक सैंडलियर जो है उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे सीलिंग का जो पूरा पार्ट है, उस सीलिंग पार्ट के अंदर हमने यहाँ 6 फीट लेंथ के अंदर ये पूरा सैंडलियर जो है उसको ऑन ऑर्डर हमने इसको बनवाया है। और ग्लास के अंदर जो है पूरे क्रिस्टल के साथ के अंदर ये सैंडलियर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सैंडलियर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है साइट के ऊपर, उसके अंदर लेवल वेरिएशन और उसके अलग अलग जो डिजाइन है, देखते हैं यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये अलग शेप का है, और ये जो आर्टिकल है ये अलग शेप का है, और तीसरा जो एक और शेप अपने पास में ये फोर्थ, इसके अंदर शेप आपको देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जो आर्टिकल्स है वो अलग अलग शेप के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इनको एडजस्ट करना हाइट के अकॉर्डिंग और साइट के ऊपर पूरा इंस्टॉल करना, ये कैसे किया जाता है, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे इसकी प्रॉपर जो है फ्रेमिंग की जाती है और उसके बाद में साइट के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन का वर्क किया जाता है, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल। दोस्तों चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो है हाइट के अंदर भी सैंडलियर को पूरा मार्क किया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही इसकी हाइट को जो है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं। किसी का जो हाइट है 30, मैक्सिमम जो हाइट है वो 30 से रखा हुआ है, और कुछ जो रैंडमली हाइट हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे डाइनिंग के अंदर और जो हमारा सीलिंग पार्ट है दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप 7 फीट का है, तो 7 फीट गैप को मेंटेन करने के लिए हमने जो लोवेस्ट लेवल है उसको 3 फीट रखा हुआ है। तो डाइनिंग टेबल के अंदर और दोनों के सैंडलियर दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो आपको अराउंड 4 फीट और 3 इंचेस आपको देखने को पे मिलने वाली है। तो गाइस आप देखते हैं कि ये सैंडलियर के अंदर जो है प्रॉपर इसकी जो वायरिंग है वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि वेट जो है सैंडलियर के अंदर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए यहाँ पे जो वायरिंग है ये वायरिंग इसको प्रॉपर नट की हेल्प से इसको पूरा टाइट किया हुआ है और हाइट जो है पूरा एडजस्ट किया हुआ है। तो गाइस ये जो SS की प्लेट है और ये SS की जो प्लेट है वो आपको गोल्डन फ्रिज में देखने को मिलेगी। इसको जो मेन स्ट्रक्चर है ये पूरा पाइप की ट्यूबिंग का एक फ्रेम है, जो कि पोन बाय पोन का जो फ्रेम है MS की ट्यूब के अंदर, इसके ऊपर ये सपोर्ट स्ट्रक्चर पूरा टिका हुआ है जो कि नट बोल्ट की हेल्प से इसको पूरा टाइट किया हुआ है। इसके अंदर जो है होल किए हुए हैं, होल के अंदर जो है पूरा आपका जो ये आर्टिकल्स है शैंडलियर के वो उसको यहाँ से नट की हेल्प से इसको टाइट किया जाता है। तो पहले आपको आपका शैंडलियर जो है नीचे बना लेना है कि आपके शैंडलियर के जो आर्टिकल्स हैं उनकी हाइट किस तरह से आपको मैनेज करनी है, उसके डिजाइन कैसे बनकर के आ रहे हैं, उसके बाद में जाकर के साइड के ऊपर आपको सीलिंग के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि नीचे की तरफ में पूरे जो क्रिस्टल है वो ऑलमोस्ट इसका लेवल हो चुका है। इस बार एक बार इसको रैंडमली हम चेक कर लेते हैं इसका ऑल ओवर पूरा लुक कैसा निकल करके सामने आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सीलिंग का जो हाइट है वो हमें 10 फीट 6 इंचेस यहाँ हाइट देखने को मिल रहा है, और हमारे पास में जो सैंडलियर है उसको हम 3 फीट सीलिंग से इसको डाउन कर रहे हैं। तो 3 फीट आपका इसका जो आर्टिकल है उसका हाइट हो गया, और 2 इंचेस जो है इसका फ्रेम हो गया, और नीचे से हमारे पास में डाइनिंग की जो हाइट है वो अराउंड आपके पास में 33 से लेकर 36 इंचेस डाइनिंग टेबल का हाइट रहेगा। तो उसके बीच में दोनों का इंटरमीडिएट जो हाइट है अपने पास में वो अराउंड आपको 4 फीट और 3 इंचेस से लेके 4 फीट और 5 इंचेस आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये पूरा वुडन का सीलिंग है, और सीलिंग के अंदर लेंथ के अंदर जो सैंडलियर है उसका जो पूरा फ्रेम है वो हमें 6 फीट का फ्रेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस जब आपका सैंडलियर नीचे बनकर के पूरा रेडी हो जाए, रेडी बनने के बाद में आपको उसको चेक करना है एक बार फाइनली कि उसके जो लेवल्स वगैरह है सारे आर्टिकल्स है वो प्रॉपर इसमें सेट हुए या नहीं हुए। अगर वो लेवल्स वगैरह सारे अगर ओके हैं तो उसके बाद में आप सैंडलियर को जो है सीलिंग के ऊपर हैंग इसको कर सकते हैं। तो गाइस आप देखते हैं कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स जो है हमने इसको पूरे लेवल वाइज जो है अलग अलग इसको हाइट के अंदर इसको अरेंज कर लिया है, और अरेंज करने के बाद में जाकर के आप देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर डबल शेड के अंदर है, एक आपको ब्लैक टिंटेड मिलेगा और दूसरा जो है गोल्डन फेस मिलेगा। तो उन आर्टिकल्स को भी हमने इसको अरेंज कर लिया है। 3 आर्टिकल्स हमारे पास ब्लैक के थे और बाकी के जो है पूरे रोज गोल्ड के हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको पूरे जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको अरेंज करते हुए यहाँ पे मिलेंगे। ये सारे ऑल ओवर हमने इसको अरेंज कर लिए है पूरे, तो इस तरह से जाकर के और ये नीचे से पूरा आपको यहाँ से देखेंगे तो नीचे से बॉटम का जो लाइन है वो लाइन से आपको यहाँ पे ये रोटेट होता हुआ पूरा दिखने वाला। तो गाइस आप देखते हैं कि ये पूरे आर्टिकल जो है वो पूरे बन चुके हैं क्रिस्टल के और ग्लास के, पूरे आर्टिकल बन करके सामने आए हैं।